बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप के जो कोर्स हमारा चल रहा है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लेयर मेन्यू को किस तरह से यूज करते हैं। हम फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, ये तमाम हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा लेयर मेन्यू, इसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि इस चैनल पर तमाम कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेयर मेन्यू को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये सारी चीजें इसमें हैं क्या। ये अभी शो नहीं होंगे क्योंकि हमने न्यू पेज नहीं दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू पेज लेते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करने हैं। आप ये सब सीख चुके हैं, ये तमाम हमने सीख लिए, तो जस्ट इसको ओके कर देना है। न्यू पेज हमारा आ गया है। ये देखिए, न्यू पेज आने के साथ साथ हमारा ये एक लेयर आ चुकी है, बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड है जो कि ऑलरेडी लॉक्ड है, इसको हम ये आई है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। इसको हम लेयर लेंगे तब इसको रिमूव करके देखेंगे, तो बैकग्राउंड और लेयर डिफरेंट शो होगी। और जब हम इसको आई इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ से जो वाइट है ये खत्म हो जाएगा और हमारा बैकग्राउंड नजरेगा। चलो हम यहाँ से लेयर को देखते हैं मजीद। न्यू, जब हमने न्यू लेयर लेनी हो तो न्यू पर जाकर लेयर को करना है। इसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट कंट्रोल एन, ये आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ज्यादा जल्दी नीड होती है किसी भी, जो हमारे पास हमें कभी भी न्यू लेयर लेनी हो तो जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास। शिफ्ट कंट्रोल एन अपने लेना है, प्रेस करना है, तो ये आपका एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ इसको नाम भी दे सकते हैं, फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेयर का कोई ऐसा भी कलर लगा सकते हैं। इसको यहाँ मोड भी इसका हम चेंज कर सकते हैं, एंड देन ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बट अभी आपने जस्ट क्या करना है, इसको ओके कर देना है और आपकी लेयर आ जाएगी। ये जब लेयर आएगी आपकी तो ये न्यू लेयर ओपन हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेयर नेक्स्ट क्या है। लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, इसको हम ओके करते हैं। तो ये मतलब ये जो हमारी बैकग्राउंड लेयर थी इस, ये फिलहाल अभी लॉक्ड है, तो हम इसके लिए अगर कोई लेयर लेंगे ताकि इस पर भी हम कुछ अप्लाई कर सकें, तो ये हमारा लेयर बैकग्राउंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से हम इसका इसको भी नाम दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, मोड, ओपेसिटी, ये सब कर सकते हैं और जस्ट ओके कर देना है। तो ये आपकी जो बैकग्राउंड वाली है लेयर, जो बैकग्राउंड वाली थी लॉक्ड थी, उसको अनलॉक कर दिया, तो वो अनलॉक हो गई है जब हमने न्यू लेयर बैकग्राउंड की सिलेक्ट की है। तो यहाँ से हम जाके कर सकते हैं लेयर न्यू एंड देन बैकग्राउंड। ये देखिए, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। अच्छा जी, ये हमने किया था। अब है लेयर सेट। अब हम सेट का लेयर का जो सेट है वो भी बना सकते हैं। अब जैसे कि हमने सीखा कि हम कैसे न्यू ओपन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना था तो हमारा ये न्यू लेयर आ जाती है। तो इस पर हम कोई सा भी काम करते हैं, ये देखें, ठीक है जी। अब ये हमारे दो लेयर्स हैं, इनका अब हमने सेट बनाना है। तो यहां से हम क्या कहां जाएंगे, लेयर एंड न्यू, न्यू के बाद हम लेयर सेट पर जाएंगे और जस्ट हमने यहाँ नाम देना है, कलर देना है, मोड, पास, ये सारी चीजें, जो भी हम सेट को कलर देना चाहते हैं, लेयर को जो भी है उसको हम कर सकते हैं और ओके कर देना। तो ये हमारा एक सेट आ जाएगा। तो ये जब सेट हमारे पास आएगा, इनको पकड़ के आपने जस्ट इस सेट में पुट कर देना है, तो हमारा ये इस सेट में सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस सेट में सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं अगेन डिलीट कर देती हूँ फुली। डिलीट करने का तरीका यह है कि इसको पकड़ के यहाँ से आपने रिमूव कर देना है, जस्ट बिन में डाल देना। अब कंप्लीटली मैं आपको सेट बना के देती हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर, एंड यहाँ से हम इसको करते हैं और यहाँ से हम कोई सा भी और ले लेते हैं बॉक्स, इसको हम कलर कर लेते हैं। ये देखें, ये चीज जो आ गई है इसका मतलब आपके पास कोई न्यू लेयर ही नहीं है कि आप इस पर काम कर सके। तो कंट्रोल शिफ्ट एन करना है, न्यू लेयर सेलेक्ट करनी है, एंड देन आप यहाँ पे
पेंट कर देना है। तो ये देखें, ये पेंट हो चुका है। अब ये हमारे दो लेयर्स बन चुके हैं। कुछ और भी हम ले लेते हैं, ये कुछ आप लिख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहां से मैं अगेन इसको कलर कर देती हूँ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पहले डिफरेंटली हो जाए ना। तो ये देखें, मैंने इसको ये किया, ये कलर हो गया। अब ये हमारा जो है वो सेट बन चुका है हमारा। अब इनको हमने क्या करना है, सेट बनाना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, लेयर ओके क्यों हो जाता है, न्यू न्यू पर जाके हमने क्या करना है, जस्ट लेयर सेट, और इसको ओके कर देना। तो ये हो गया, अब इसको डाल देना है इसमें सबको। अब हमने क्या किया था कि इसको हम जब ये वाले इसको सिलेक्ट करते हैं, लेयर सेपरेट लेयर सिलेक्ट करते हैं, देखें यहां से देखते हैं हम कौन सी है। तो ये वाली जो है हमारी एक लेयर थी, इन दोनों को इसी पर ही काम किया था। तो अब हम इसको क्या करना है, इसको सिलेक्शन टूल लेके इसको मूव करवाते हैं। ये देखिए मूव हो सकता है, लेकिन आपको ये जो छोटा सा नजर आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा जो है, ये जो है ये मूव नहीं हो रहा, क्योंकि सिलेक्शन हमने इस पर की हुई है, इन दोनों पर, लेकिन वो जो जा चुके हैं वो सेट में जा चुके हैं दूसरे लिए। अब इसी को हम सेट में डालेंगे, तो जब हम सेट में इसको डाल देंगे, तो इसको सेट को सिलेक्ट करेंगे, तो सब हमारा सब वो जो है अप एंड डाउन होगा। ये देखें, इसको भी हम सेट में डाल देते हैं, तो सब भी मूव होगा जब सेट को सिलेक्ट करेंगे। तो इस सारा सिलेक्ट हो चुका है, अब इसको मूव करते हैं। देखें, ये तीनों चीजें मूव कर रही हैं, ये मतलब कि हमारा पूरा जो सेट है वो मूव कर रहा है। तो ये देखें, तो इसको कहते हैं हम सेट। इसको अगेन मैं डिलीट कर देती हूँ, जब डिलीट करना होगा आपने इसको बिन में डाल देना है। ये देखें, ये बैकग्राउंड है, इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार जो पिछली वीडियोस हैं उनमें सीखा था कि हम किस तरह करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है कि न्यू, ये हमारा हो चुका है लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड। इसका क्या मतलब है, हम कंट्रोल शिफ्ट न्यू लेयर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट न्यू लेयर लेते हैं, यहाँ हम कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिल कलर एंड देन यहाँ कुछ ट्राई डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। अब दोनों लेयर्स यहाँ ये जो भी हमने कुछ लिखा है, तो ये अलग लेयर कुछ से आ गई है। अब यहाँ से भी हम ये कर लेते हैं कि इस यहाँ पर भी कुछ लिख लेते हैं, या कुछ हम राइट डाउन कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं कुछ भी। चलो यहाँ कर देते हैं ये, इसको भी एज इट इज। इसके लिए हमें ये न्यू चाहिए, ये देखें ये मेरे लेयर चाहिए थी, तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। अच्छा जी, ये अब तीनों हो चुके हैं। अब इसको मैं इसके साथ लिंक्ड करूंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाएंगी, ये तमाम सॉरी ये जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो चुके हैं। मैं एक को डिलीट करूंगी तो तीनों डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ से अब अगेन मजीद देख लेते हैं क्या है ये देखिए, अब ये ऑप्शन आ चुका है लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड। तो यहाँ से भी हम लिंक कर सकते हैं और यहाँ से भी हम लिंक कर सकते हैं, सेट फ्रॉम लिंक ओके। देन ये देखें, पूरा कंप्लीट जो तीनों थी वो लिंक्ड हो चुकी हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी हैं और उनका सेट भी बन चुका है। तो यहाँ यहाँ पर क्या था कि लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड, जो तमाम की तमाम लिंक्ड थी उनका एक सेट बन चुके हैं। नेक्स्ट है लेयर विया कॉपी, इनको डिलीट में इसीलिए करते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या था, लेयर विया कॉपी, इसको कलर कर देते हैं। अब इसी की हम कॉपी कर देंगे, अब वही सिलेक्टेड है हमारे लेयर एंड यहां से हमने जाके इसको जस्ट कॉपी कर देना है। तो ये हमारी दोनों जो है वो आ चुकी है, एक जैसी ही आ चुकी है। ये देखें, इसको हम रिमूव कर देंगे, तो ये देखें वो एज इट इज है, एक तो है पड़ी हमारे पास, यानी कि कोई भी मिस्टेक हो जाए तो एक को हम डिलीट तो कर सकते हैं। और यहाँ से इसको रिमूव करें तो सभी चला गया, बैकग्राउंड भी चला गया। ये देखिए, मैंने जैसे आपको कहा था कि बैकग्राउंड भी चला जाएगा, ये हमारा बैकग्राउंड था, तो यहाँ से ये भी चला गया। अब इनको हम लिंक्ड करके वैसे सेट भी बना सकते हैं। तो ये चीजें हैं जी।
देन नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है कि लेयर वी आर कट, मतलब हमारे पास अगर दो लेयर्स हैं, न्यू लेयर लेते हैं हम, यहाँ हमारे पास अगर ठीक है जी, हमारे पास ये एक दो न्यू लेयर्स हम, एक ये है और एक ये है, दो लेयर्स हैं हमारे पास, तो हमने इसको सेपरेट कैसे करना होगा। अभी मैंने जो राइट डाउन किया ये राइट डाउन किए हैं, अब अगेन मैं यहाँ से कुछ भी कर देती हूँ, कुछ और मैं लिख देती हूँ। मैं ये राइट डाउन कर लेती हूँ इसे, ये देखें मैंने ये दोनों चीजें राइट डाउन कर ली हैं। अब हमने क्या करना होगा, लेयर में जाके न्यू में, फिर उसके बाद हमने क्या करना होगा, कट करना होगा। मतलब एक ही लेयर में जो कुछ भी होता है उसको हमने क्या करना होता है, कट डाउन करना होता है कि वो उसकी न्यू लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो आपकी अगर एक ही काम कर रही हो और उसमें तमाम चीजें एक साथ हों, जैसे कि हमारा पिछले हमने जो किया था थोड़ा थोड़ी देर पहले जो हमने किया था कि सबको एक साथ मूव कर रहे थे, सेट बना रहे थे, तो वहां हमने क्या किया था कि हमारे दो जो सारे कंप्लीटली थे वो एक ही साथ थे, तो हम उसको सिलेक्ट करके हम लेयर में जाके न्यू में जाके तो ये इसको लेयर वेयर कट कर सकते हैं। अभी भी हमारा ऑप्शन आ चुका है, लेयर वेयर कट करेंगे तो इसका हमारा जो है एक और लेयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें एक और लेयर आ चुकी है, यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ से आप ये मजीद देख सकते हैं। एंड देन ये देखें हमारा ये पिछली लेयर में था, अब ये हमारा न्यू लेयर में शिफ्ट हो चुके हैं। अब इसी को अगर हम सिलेक्ट करके यही इसी को हम सिलेक्ट करके अगर न्यू करेंगे तो नेक्स्ट लेयर में मजीद सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें ये हम अगेन ले लेते हैं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, आसानी हो जाए आपके लिए कि समझने में आसानी हो जाए कि ये हो क्या रहा है। अब हम करने वाले हैं कि हम इसको नेक्स्ट लेयर में शिफ्ट कैसे करते हैं, कि मतलब कि एक ही लेयर में हमारी सारी चीजें हो रही हैं, हम चाहते हैं कि ये अलग अलग लेयर में हो जाए ताकि हमें आसानी हो जाए कि कुछ भी डिलीट करना हो उसको डिलीट वगैरह कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग उसमें करनी हो तो कर सकते हैं। तो लेयर वे कट करेंगे तो ये देखें हमारी थर्ड लेयर आ चुकी है, वो थर्ड लेयर में शिफ्ट हो चुके हैं, हमारी सेकेंड लेयर में वो शिफ्ट नहीं हुआ, हमने हमारी सेकेंड लेयर जो थी वो सिलेक्टेड थी। एंड देन हमने जस्ट उसको क्या किया कि हमने उसको सेपरेट कर दिया, लेयर वेयर कट कर दिया ताकि वो नेक्स्ट लेयर में चला जाए ऑटोमेटिकली। तो ये हैं सारी चीजें, इसको हम अब डिलीट कर देते हैं। अगर आपने सिलेक्शन करनी हो तो यहाँ से वो सिलेक्शन करके कंट्रोल और आपने अपने माउस के साथ राइट सॉरी लेफ्ट डबल क्लिक करना है तो ये जो लेयर है ये सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एज इट इज जो हमने सिलेक्ट किया वो सिलेक्ट हुआ या नहीं, तो यहाँ से आपने पकड़ के इसको बिन में डाल देना है। एंड नेक्स्ट है ये वाली लेयर, ये कौन सी है, ये तो कोई भी नहीं है, इसको भी हम बिन में डाल देते हैं। एंड हमारे पास ये बची है, ओके इसको भी हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये नहीं होगी फिलहाल क्योंकि ये बैकग्राउंड की है। तो आगे हमारा क्या है कि हमने क्या करना है कि लेयर में जाके न्यू एंड देन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि डुप्लीकेट डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल शिफ्ट सॉरी मैंने बी प्रेस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट न्यू न्यू लेयर एंड देन आपने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर दें। अब क्या अप्लाई करें, हम इसको ये शेप्स अप्लाई कर देते हैं। ये देखें अब ये हमारी ये लेयर आ चुकी है, इसमें ये न्यू लेयर हमारी आ चुकी है। हमने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ से हमने जाके इसको जस्ट डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है तो ये हमारी आ जाएगी
ओके कर देना है आपने, तो ये हमारे लेयर डुप्लीकेट हो चुकी है। अब इसमें हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये इसके बहुत फायदे हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सीखेंगे इंशाल्लाह। देन नेक्स्ट है कि लेयर प्रॉपर्टीज, डिलीट। डिलीट कुछ भी लेयर डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। एक लेयर को करना है तो एक लेयर को हम डिलीट यहाँ ओके कर देंगे, तो वो डिलीट हो जाएगी। अभी मैंने करना नहीं है ना, क्योंकि हमने इसको और सीखना है अभी थोड़ा सा। यहाँ से ओके करेंगे तो जस्ट ये डिलीट हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट है कि डिलीट में हम लिंक्ड लेयर को कैसे डिलीट करते हैं। यहाँ से हम इसको लिंक्ड कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो चुकी हैं। इनको डिलीट करेंगे, लिंक लेयर लेयर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी कट हो जाएगी। ओके कर देंगे, ये देखें हो चुकी है। कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ, क्योंकि मैं अगेन से राइट डाउन नहीं करना चाहती इसको, तो कंट्रोल जी करेंगे वापस आ जाएंगी। अब है नेक्स्ट है कि डिलीट एंड हिडन लेयर। हिडन लेयर जो हाइड है उसको डिलीट करना है हमने। इसको लिंक हम खत्म करते हैं, अब इसको हाइड कर देते हैं। ये जो हिडन लेयर है हमारी, ये खुद ही डिलीट हो जाएगी। लेयर डिलीट हिडन लेयर, तो ये हमारी डिलीट हो चुकी है। यस करना है तो ये हमारी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये करते हैं सारी चीजें। ये हमेशा याद रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि आगे हमें ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आपको ये समझ नहीं आएगा तो आगे हम स्किल्स में और नहीं सीख पाएंगे जो हमने स्किल्स वगैरह सीखनी है। तो ये हमेशा इसको याद रखिएगा, डेली का डेली आपने लाजमी वीडियो देखनी है बगैर स्किप किए, और समझनी है और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा है कि लेयर प्रॉपर्टीज। लेयर प्रॉपर्टीज में ये चीजें हमारी आ गई हैं कि लेयर के हम नाम क्या देना है, कलर क्या होना चाहिए। जैसे हम न्यू लेयर, ये देखिए मैं डेमो दे देती हूँ कि न्यू लेयर हम जब लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं तो न्यू लेयर आ जाती है। यहाँ में इसको भी हम नाम दे सकते हैं, इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं, मोड ओपेसिटी सब चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी, मैं येलो कर देती हूँ अभी। और यहाँ से हमने इसका डिजोल्व कर देना है, या फिर कुछ भी आप इसका मूड करना चाहते हैं। ओपेसिटी मैं इसकी हाई करना चाहती हूँ, ओपेसिटी कम करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा, आपकी जो लेयर है वो लाइट हो जाएगी। और ओके कर देना है, तो ये देखिए हमारी न्यू लेयर ऐसे आ चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हैं और लेयर प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, तो ये हमारे सिलेक्टेड हैं, इसी को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमने कुछ इसका कलर ये नहीं रखना, हमने इसका ये ब्लू रखना है, हमने ये नहीं रखना, हमने इसका वायलेट कलर रखना है, या हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं, और जस्ट आपने ओके कर देना तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इस लेयर का भी ऐसे हम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करना है आपने, लेयर में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, एंड देन आपने यहाँ इसको नेम दे देना है। अब यहाँ से आपने इसका कलर चेंज कर देना है और कर देना है ओके। तो ये देखें अलग अलग लेयर आ चुके हैं अलग अलग कलर के साथ। तो अब नेक्स्ट है हमारा के है, लेयर प्रॉपर्टीज हो चुके हैं, लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको भी हम करेंगे, ठीक है जी। अब हमारा ये लेयर प्रॉपर्टीज तक हो चुका है, नेक्स्ट जो सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा लेयर स्टाइल, ये बहुत मजे की चीजें हैं, इनको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई।